नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। स्वागत करती हूं आपका केकेआर न्यूज में। मध्य प्रदेश के वित्त योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही प्रदेश सरकार महुआ की मदिरा लाने की योजना बना रही है, जिसमें उन्हें भी रोजगार मिल सके। 2020 चुनौतियों भरा रहा। कोरोना जैसी महामारी का संकट पूरे विश्व में रहा। आंधी तूफान या बाढ़ आती है तो दिखाई देती है, लेकिन यह बीमारी ऐसी थी जो दिखाई नहीं दी। अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि 2021 में इस बीमारी से पूरे विश्व में मुक्ति मिले। राजस्व की कमी हुई, जिससे सारे विकास में काम रुके, उद्योग धंधे बंद हुए, व्यापार बंद हो गए थे, तथा प्रदेश सरकार की जन कल्याण की गई योजनाएं थी वह पूरी नहीं हो सकी। लेकिन 2021 में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, सबके लिए मंगलमय हो, यह वर्ष मंगलमय हो। भोपाल से संवाददाता मुकेश सर्वे की रिपोर्ट। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नया वर्ष सबके जीवन में मंगल हो, शुभ हो और परमात्मा से ये प्रार्थना है कि कोरोना जैसे संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है, धीरे धीरे बीमारी का प्रकोप कम हो रहा है, लेकिन हम तो परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे कि इस नए वर्ष में इस बीमारी से पूरी तरह मुक्ति मिले और सब लोग स्वस्थ रहे, ऐसी इस नए वर्ष में परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। और नया वर्ष सबके लिए मंगल हो, शुभ हो, जीवन में खुशियां लाए, यही परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। सरकार का काम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सारे काम अच्छे हो रहे हैं और आगे भी हमको यही प्रार्थना है कि काम सब अच्छे हों, प्रदेश हमारा निरंतर प्रगति करे, प्रदेश में रहने वाले सब लोग खुश रहें और सब लोगों के जीवन में खुशहाली आए। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरा विश्व चपेट में आया है, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि अब धीरे धीरे पटरी पर गाड़ी आ जाए और सारी स्थितियां सामान्य हो जाए। सर, ऐसी कुछ प्लानिंग की गई है कि 2020 में जो हुआ है 2021 में उसका की भरपाई कैसे की जाए या फाइनेंशियल में कैसे सुधार ला पाए? इस सब के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन चलाया है वो वास्तव में इसी तरफ है, अंगित करता है, और उसी के तहत मध्य प्रदेश भी आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश इसके रोड मैप भी तैयार हुए हैं, सारी बातें तय हुई है और उसी रोड मैप पर प्रदेश सरकार काम कर रही है। सर, कई विभागों से कमलनाथ सरकार जो थी पहुंचेगा, अनुपूरक बन सारी वो अध्यादेश के माध्यम से आ रहा है पूरा, और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। कमलनाथ जी की सरकार की बात छोड़ो, आप कमलनाथ जी की सरकार ने जो कुछ किया वो जनता ने फैसला दे दिया, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने फैसला दे दिया, अब इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता मुझे लगता नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।